चलिए अब आपको लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर दे दें। मंत्रियों के मंडल के प्रभार में फेरबदल की खबर मिल रही है। सीएम योगी ने मंडलों के प्रभार में फेरबदल कर दिया। मंडल के प्रभार में तीसरी बार ये बदलाव देखने को मिल रहा है। तीन नेताओं को गोरखपुर मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई। सुरेश खन्ना, दानिश अंसारी को जिम्मेदारी दी गई है। दिनेश खटीक को भी बेहद अहम जिम्मेदारी मिली है। एक बार फिर से यह बड़ा बदलाव किया गया। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं। मंत्रियों के मंडल के प्रभार में फेरबदल किया गया है। अनुभव मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनुभव, मंडल के जिम्मेदारियों में फेरबदल देखने को मिली है, क्या बताया जा रहा है, क्या है इसके पीछे वजह और किसे किसे ये बड़ी जिम्मेदारी मिली? देखिए, बिल्कुल ये बड़ी खबर है कि मंत्रियों का जो मंडल का प्रभार मिलता है, जिसे मुख्यमंत्री की तरफ से उन्हें दिया जाता है, वह फिर से बदल दिया गया है। और आज एक अगस्त है, आज ही सभी मंत्रियों का कागज पहुंच रहा है खुद मुख्यमंत्री कार्यालय से। और तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं, देखिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है हर मंडल के लिए, और उस मंडल में जितने जिले आते हैं वहाँ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जाता है, तमाम सारे बिंदु है, उस बिंदु पर जाकर वहाँ अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, फीडबैक मुख्यमंत्री को देता है, और उसके बाद बदलाव देखने को मिलते हैं। हमें जिलों में कई बार ऐसा हुआ भी, अब तक दो बार इस तरह से प्रभार जो है वो दिए गए थे, अब तीसरी बार बदलाव किया गया है। अब गोरखपुर मंडल की जिम्मेदारी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को दे दी गई है, उनके साथ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में दानिश आजाद अंसारी हैं और दिनेश कटिक हैं, तो ये लोग अब गोरखपुर मंडल की जिम्मेदारी संभालेंगे। अभी तक गोरखपुर मंडल की जिम्मेदारी जल शक्ति मंत्री सत्यदेव सिंह के पास थी, उनको वाराणसी मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। वाराणसी मंडल की जिम्मेदारी अभी तक उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के पास थी, उनको अब दूसरे मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के पास चित्रकूट मंडल की जिम्मेदारी थी, तो अब उनको झांसी मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही साथ आगरा मंडल की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री भूपेन चौधरी के पास थी, तो उनका भी मंडल का प्रभार बदला गया है। यानी जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, जो मंडलों में जाता है, जिलों में जाता है, दौरा करता है, फीडबैक लेता है, तो सबके मंडलों को बदल दिया गया। और ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है जब उनके मंडलों को बदला गया है। अब वो फ्राइडे, सैटरडे, संडे वहाँ जाएंगे, दौरा करेंगे, और जो पांच बिंदु हैं जिस पर उन्हें चर्चा करनी होती है, रिपोर्ट बनानी होती है, उसी के आधार पर बिल्कुल, यानी कि अहम, ये हम कह सकते हैं कि अहम खबर है, ये बड़ा बदलाव है, मंडल प्रभार बदला गया है। बहुत शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।